स्वागत है आपका। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। ब्लैक फंगस में लगने वाले इंजेक्शन की कमी को लेकर यह पत्र लिखा गया है। एंटी फंगल इंजेक्शन की कमी को लेकर चिंता जताई है। अस्पतालों के माध्यम से इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग भी उन्होंने की है। तो ब्लैक फंगल इंफेक्शन के इंजेक्शन की कमी को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खत लिखा है। तो आपको बता दें, अब ब्लैक फंगल इंफेक्शन के इंजेक्शन की भी कमी बाजार में देखी जा रही है और इसी को लेकर खत लिखा गया है। एंटी फंगल इंजेक्शन की कमी को लेकर चिंता जताई है। अस्पतालों के माध्यम से इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है। आगे बढ़ते हैं। नरसिंहपुर जिले में ब्लैक फंगस की दस्तक देखने को मिली है। अब तक ब्लैक फंगस की 6 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एक मरीज की आंखों की रोशनी चली गई। गंभीर हालत में 2 मरीजों को जबलपुर रेफर किया गया। वहीं एक मरीज जिला अस्पताल में भर्ती है। आपको बता दें कि कोरोना के इलाज के दौरान शुगर बढ़ने से ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। जी, अभी जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर में हमारे यहाँ पे 5 मामले ब्लैक फंगस के आए, जिसमें कि 2 की डेथ हो गई है और एक जो पेशेंट है वो आशीष हॉस्पिटल जबलपुर में, जिसका ऑपरेशन हुआ है और जिसकी आँख की रोशनी चली गई है। बाकी 2 यहाँ पर